अरे यार सुनो ना, मेरा ना फेसबुक अकाउंट हैक हो गया साहिर भाई। कैसे भी करके प्लीज़ रिटर्न में दिला दो यार। उस पे ना मेरी बचपन की मेमोरीज अपलोड है यार, प्लीज़। मैं ना पैसे भी दे दूंगा, मेरा अकाउंट रिटर्न में दिला दो मुझे। हाँ यार प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दे। क्या गाइज आपके भी साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं? अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती है, कभी भैया आपका लैपटॉप हैक हो जाता है, कभी आपका फ़ोन हैक हो जाता है, कभी आपका डाटा चुरा लिया जाता है, कभी डिलीट कर दिया जाता है, तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हैकिंग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दूंगा, किस तरह से जो है हमारे डिवाइसेस को हैक किया जाता है, और ये हैकर्स क्यों करते हैं ऐसा काम, और कितने तरह के हैकर्स होते हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है। जी हाँ गाइज, आज आपको इस वीडियो में मैं हैकिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी जानकारी दे दूंगा। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नवाब पर नए हैं तो भैया रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है तो गाइज लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह के हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। जो दोनों तरह के हैकर्स होते हैं वो सेम काम करते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो यार सेम काम करते हैं? जी हाँ गाइज, एक जो कि बुरा करते हैं, एक जो कि अच्छा करते हैं, ठीक है। काम दोनों ही सेम करते हैं हैकिंग का। देखो गाइस मैं बता देता हूँ, हैकिंग से क्या है कि ब्लैक और वाइट जो दोनों काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि एप्लीकेशन, कोई डिवाइस या कोई सॉफ्टवेयर, उसके अंदर कमी ढूंढते हैं, लूप ढूंढते हैं कि किस तरह से इस वेबसाइट को, इस डिवाइस को हैक किया जा सकता है, इसकी क्या कमी है, कंपनी ने ऐसी कौन सी कमी छोड़ रखी है जिसके जरिए हम इसे हैक कर सकते हैं। अब भाई भैया हम कमी की बात करें तो देखो, कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं छोटी सी कोई ना कोई कमी जरूर छोड़ दे देती है, ठीक है। अब हम भैया बात करें साथ अजूबाओं की, तो देखो जो आगरे का ताजमहल है उसके अंदर भी एक छोटी सी कमी है, और आज तक जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से इंजीनियर्स हैं, जितने भी कारीगर्स हैं, वो सारे, उन सारे लोगों ने ट्राई कर लिया, आज तक उस कमी को नहीं ढूंढ पाए। जी हाँ गाइज, इसी तरह की जो कमियां होती हैं वो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशंस के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अब जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो दोनों उस कमी को ढूंढते हैं। जब उन्हें वो कमी मिल जाती है तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या काम करते हैं गाइज, उस कमी के जरिए से, उस एप्लीकेशन से जो भी डाटा उन्हें मिलता है या फिर जो भी उनकी फायदे की चीज़ें होती है वो उनको चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं, बाद में भैया उस डाटा को बेच देते हैं पैसे लेकर। जी हाँ गाइज, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, डाटा को चुरा लेते हैं हैक कर, और उस डाटा को बेच देते हैं पैसे लेकर, किसी और से पैसे लिए उस डाटा को बेच दिए। जी हाँ, अब यहीं पर हम बात करें व्हाइट हैट हैकर्स की गाइज, तो व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, वेबसाइट के अंदर या एप्लीकेशन डिवाइस के अंदर कमी ढूंढते, जब उन्हें वो कमी मिल जाती है तो वो उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करते कि भैया आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये कमी है, अगर आप इस कमी को ठीक नहीं करते हो तो इस तरह से जो है आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। जी हाँ गाइज, वो उन्हें पैसा देते हैं, वो उन्हें इनकी जानकारी देते हैं, वो हमारा बुरा नहीं सोचते, जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो बुरा नहीं सोचते। और यहीं पर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स की, तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते, उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस एप्लीकेशन के अंदर किसी की सीक्रेट चीज़ें हैं या फिर किसी का कोई पर्सनल डाटा है, और उसे इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं करते, वो डाटा चुराते हैं और पैसे लेकर बेच देते हैं। जी हाँ गाइस, ये इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्राइम है, और जैसे कि ये क्राइम, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। जी हाँ गाइस, अब हम भैया ऐसे में बात करें, क्या मोबाइल को, लैपटॉप, वेबसाइट, एप्लीकेशन को ऐसे ही हैक कर लिया जाता है? अब हम बात करें ऐसे में मोबाइल फ़ोन्स की, तो गाइस आज के टाइम में जितने भी बंदे, सब बंदे फ़ोन यूज़ करते हैं, और फ़ोन के अंदर सारा डाटा सीक्रेट होता है। जी हाँ, ऐसे में हम बात करें तो देखो, हम अपने अकाउंट्स को ले लेते हैं, आज के टाइम में हर बंदे का जो बैंक अकाउंट है वो फ़ोन से कनेक्टेड है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फ़ोन से कनेक्टेड है, ठीक है गाइज, जितनी भी उससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब उसके फ़ोन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम बात करें गाइज, क्या फ़ोन को ऐसे ही दूर के बैठे, अमरीका के बैठे, इंडिया के फ़ोन को हैक किया जा सकता है? मेरा आंसर है जी हाँ गाइज, अमेरिका के अंदर से इंडिया के अंदर किसी भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है, बट वो तब तक हैक नहीं होता जब तक हम खुद उन्हें ये परमिशन नहीं देते। जी हाँ गाइस, अब ऐसे में आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया परमिशन कौन देता है कि आओ मेरे फ़ोन को हैक कर लो? जी नहीं गाइस, देखो मैं बता देता हूँ, एक मेरा दोस्त था दिल्ली का,
और उनका जो है बैंक अकाउंट हैक कर लिया गया था। उनके अकाउंट से 50,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर लिए गए थे दूसरे अकाउंट्स के अंदर। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, अगर ऐसे हैक करना पॉसिबल होता तो भैया वो तो करोड़पति होते, जितने भी बैंक के अंदर अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सबके अकाउंट हैक कर लिए जाते, सारे पैसे वो शार्प कर जाते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उनको एक फ़ोन आया कि भैया आपका जो पेटीएम KYC है वो एक्सपायर हो गया है, आप अपना पेटीएम KYC अपडेट करा लीजिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक कर कर अपना जो पेटीएम नंबर है, पासवर्ड है, वो वहाँ पर लॉगिन कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। जी हाँ, अब होता क्या है कि भैया देखो, ये बहुत जगह आपने लिखा भी देखा होगा कि बैंक अधिकारी कभी आपसे कॉल कर कर आपका कोई भी पर्सनल डाटा नहीं पूछेगा। पेटीएम की वेबसाइट पर भी ये चीज़ें लिखी होती है, और तो और पेटीएम की साइट से मैसेज भी आती है कि कभी भी किसी के साथ अपना गुप्त पिन OTP या फिर अपना पासवर्ड शेयर ना करें। जी हाँ, किसी को अपना OTP या फिर पासवर्ड ना बताए, चाहे वो ये दावा करे कि मैं पेटीएम सेंटर से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा, बट होता क्या है भैया, सब लोग इन जानकारियों पर अमल नहीं करते। वो सोचते कि कंपनियां तो पागल है, चूतिया है, ऐसे लिख देती है। जी नहीं गाइज, वो आप ही के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें आपको बताती है, बट हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों पर अमल नहीं करते। तो हुआ क्या, उसको बोला गया कि इस लिंक पर जाओ, उस पर क्लिक करके अपने पासवर्ड और जैसे भी आप पेटीएम में लॉग इन करोगे उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। KYC गाइज, ना तो KYC अपडेट करने वाली एप्लीकेशन थी, ना कुछ, वो एक एप्लीकेशन थी जिस एप्लीकेशन से क्या है कि उसके फ़ोन के अंदर एक्सेस कर लिया गया था। अब देखो, हम ऐसे में बात करें भैया परमिशन की, तो परमिशन कैसे देते हैं हम, जब भी अपने फ़ोन के अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो हमसे कुछ परमिशन मांगता है जिसे हम अलाउ कर देते हैं। जी हाँ, ये आप ध्यान नहीं देते कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है, लोकेशन की, कॉन्टैक्ट्स फाइल की, मेमोरी की, कैमरा की, गैलरी वगैरह की परमिशन मांगते हैं। हम सबको बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े एलो कर देते हैं। और होता क्या, यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हम उसके खुद रेस्पॉन्सिबल है कि हमने खुद उसको परमिशन दी उस एप्लीकेशन को। अब होता क्या है कि गाइस, अगर वो एप्लीकेशन हैक होगी तो आपका फ़ोन भी हैक होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन को आपने परमिशन दे रखी है कि भैया आप हाँ मेरे घर से ये सामान भी ले जा सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो ये बच्चा क्या, फ़ोन से आप पूरी परमिशन दे रखी है आपने एप्लीकेशन को, जैसे ही वो एप्लीकेशन हैक होगी तो आपका फ़ोन तो जाहिर सी बात है हैक होगा ही। जो भी आपके फ़ोन के अंदर डाटा है वो उस एप्लीकेशन के जरिए से चुराया जा सकता है। जी हाँ, तो पहली बात तो ये, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा, ये जरूर देखना। ऐसी एरी गैरी एप्लीकेशंस को आप हैक मत, सॉरी इंस्टॉल मत करना, सारी जानकारी उस वीडियो में मैंने दी है, आप जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हैकिंग से रिलेटेड। तो भैया देखो, मेरा मानना ये है, कोई भी बंदा आपको किसी भी तरह की मेल करता है या फिर आपको कॉल करता है कि मैंने आपके नंबर पर SMS किया है, लिंक के थ्रू आप अपना ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, देखो भैया ऐसे ही किसी लिंक पर आप क्लिक मत करो, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके फ़ोन के अंदर लिंक आएगा, एक्सेस करेगा और हो जाएगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा होगा गाइज, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आ जाए कि आता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो क्लिक करके देखिए, आप इस लिंक पर क्लिक करिए, 100 रुपये का कैशबैक पाइए। जी हाँ गाइज, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, ये व्हाइट हेट ब्लैक हेट हैकर्स क्या काम करते लोगों को चूना लगाने के लिए जो है बहकाते हैं, लालच देते हैं कि इस वेबसाइट के जरिए से 1,000 रुपये का कैशबैक ऑफर मिल रहा है, इस वेबसाइट के जरिए से हमें 1,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर आप फ्रेंड को रेफर करोगे तो 500 रुपये मिल रहे हैं। देखो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनियाँ जो एप्लीकेशन से बना रही है वो कंपनियाँ उस एप्लीकेशन के जरिए से रेफरल के पैसे भी देती हैं और ज्वाइन करने के पैसे भी देती है गाइस, बिल्कुल देते हैं, पैसे देते हैं वो, बट जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जब लोग लालच में आते हैं कि भैया 1 महीने का रिचार्ज कहीं से हमें फ्री में मिल जाए तो हमारे 500 रुपये बच जाए, वो क्या काम करते कि ऐसा लालच देते कि आप इस वेबसाइट पर जाइए, आपको यहाँ से 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है। अब वहाँ से रिचार्ज वगैरह कुछ नहीं होता है, वो आपके फ़ोन के अंदर एक्सेस करने के लिए डाला होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हो, जैसे ही आप उसके जरिए क्लिक करते हो आपके फ़ोन को सॉरी हैक कर लिया जाता है, आपका जो डाटा वो चुरा लिया जाता है बिना आप पर क्लिक कराए या फिर कोई सॉरी जैसे कि लैपटॉप की बात करें हम, यहाँ पर लैपटॉप को किस तरह से हैक किया जा सकता है, जब तक लैपटॉप के अंदर भी सेम प्रोसेस है,
या तो गाइस किसी वेबसाइट पर आपको ले जाया जाए या वहां पर क्लिक करवाया जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पर डलवाई जाए, तब जाके हैक किया जा सकता है। या फिर जब तक आपके लैपटॉप्स के अंदर खुद वो बंदा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर दे, या फिर गाइस कोई पेन ड्राइव लगाकर ऐसे ऐसे हैक किया जा सकता है बिना आपके लैपटॉप को टच किए। कोई भी किसी के डाटा को जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। मैंने बताया अगर आपके फोन या लैपटॉप के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं जो कि आपके फोन की परमिशन जिनको आपने दे रखी है, उन एप्लीकेशंस को हैक किया जा सकता है, तो आपका फोन हैक हो जाना जाहिर सी बात है। बट अदरवाइज जब तक आपके फोन के अंदर ऐसी की कोई भी एप्लीकेशन नहीं रहेगी तो आपके डिवाइस को हैक नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में हम बात करें भैया कि आप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर भी ऐसी एप्लीकेशन हमें देखने को मिल सकती है जिनके अंदर कमियां और जो हैक की जा सकती है। देखो गाइस वो डाउट तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी नहीं होती। ठीक है, होता क्या है कि प्ले स्टोर भी पब्लिश कर देता है ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस को अपने ऊपर अपलोड करा लेता है जो कि हैकर्स के थ्रू बनाई जाती है। जी हाँ, अब हम ऐसे में बात करें गाइस, देखो आपको बहुत सी जगह मैंने भी बताया कि लिखा होता है आप फ्री में काइन मास्टर प्रो वर्जन कैसे डाउनलोड करें और उसका फायदा उठाएं। जी हाँ, अब आप प्ले स्टोर पर देखोगे काइन मास्टर का जो वर्जन है, सॉरी एप्लीकेशन है, वो वहां पर 5 या मान के चलो 5 MB की है। ठीक है, अब आप उसी एप्लीकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड करते हो काइन मास्टर प्रो मोड APK डाउनलोड, तो आप उस वेबसाइट पर जाओगे वहां पर आप उसका जो साइज देखोगे फाइल का वो 8-9 MB आपको देखने को मिलेगा। अब भैया आप सोच रहे आप 2 MB का 3 MB का कोई फर्क नहीं समझते और बड़ी आसानी से उसे डाउनलोड कर रहे थे। देखो मैं ज़्यादा सारी एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, आप जब भी ऐसी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो तो उसके बारे में बारीकी से जान लो कि क्या है भैया, क्या प्रोसेस है, इसमें कोई लूप तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कमेंट्स पढ़कर देख सकते हो, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। देखो दोस्तों पता होगा हाल ही में बहुत से लोगों ने ये क्या काम किया था, लोन लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तरह तरह की एप्स पर, तरह तरह की साइट्स पर। जैसे कि सपोज हमें देखने को मिलता है कि होम क्रेडिट से आधार कार्ड से 5 मिनट में लोन 50,000 रुपये का। अब भैया हम लालच में आ जाते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर देते हैं। भैया होता क्या है कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस आपका रिजेक्ट हो जाता है, आप बिना चिंता किए थोड़े से माइल सोचे, फिर बाद में सोचे चलो कोई टेंशन नहीं है अगर नहीं हुआ था। बट ऐसे में हुआ क्या, जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो तो आपने वहाँ पर शेयर कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उनके पास पहुँच गए, चाहे तो वो आपके कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं यार। जी हाँ, ऐसे बिना कुछ समझे सोचे, बिना कुछ जानकारी देखे आप ऐसी किसी भी एप्लीकेशंस पर अपने डाटा को अपलोड ना करें, क्योंकि भैया हमारे पास कुछ नहीं उनके पास सब कुछ है। ठीक है, अब हम ऐसे में बात करें गाइस काफ़ी सारी, देखो मैं मनोज देगी बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैक सॉरी यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिन्होंने खुद पर्सनली मेल की सॉरी वीडियो डाली हुई अपने यूट्यूब चैनल्स पर कि उन्हें लालच दिया गया। मनोज देगी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल अपलोड हुई थी, उसमें मैंने देखा था उसने बताया कि उसे मेल की गई कि उसे 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने के, उन्हें 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं कि किसी चीज़ को प्रमोट करने को। उन्हें मेल आया उनकी मेल आईडी पर कि आपको हम इतने 1,00,000 रुपये दे रहे हैं और आप हमारा ये प्रोडक्ट जो अपने चैनल पर 2.5 मिनट की वीडियो बनाकर डाल दीजिए। जी हाँ गाइस, आपको नहीं पता हो स्पॉन्सरशिप मिलती है इस तरह की कंपनी से। तो हुआ क्या कि जैसे उसने उसकी जानकारी ली, उन्होंने बताया कि हम आपको जो कि लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं मेल के थ्रू, आप ऐसा करिए लिंक पे जाइए और लिंक पर अपने चैनल को लॉगिन करके देख लीजिए, प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। भैया होता क्या है कि जैसे सपोज जिनको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है वो उन चीज़ों से अचेत होते हैं, उन्हें पता होता है कि इस तरह से जो हमारे अकाउंट्स को हमारी डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है, हमें काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ों से वो बच कर रह सकते हैं। उन्होंने खुद बताया कि आज के टाइम में ये बहुत सारा हो रहा है कि बहुत से लोगों के यूट्यूब अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। जी हाँ, अभी हमें छोटे यूट्यूबर हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट होता क्या है कि जिनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं उनको मेल आती है और उनके अकाउंट इस तरह से हैक कर लिए जाते हैं। ठीक है, बिना कहीं सोचे समझे आप अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, हाँ मैं जानता हूँ गाइस, बट क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी थी वो मैंने आपको पहुँचाई आप तक, जो जितनी मैं जानता था, जितनी जानकारी मुझे पता था इतनी मैंने आपको बताई। जैसे ही मुझे कुछ और जानकारियाँ मिलेंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाऊँगा गाइस।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब पर ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई न्यू वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्निकल नवाब के साथ, देखते रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।